स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। आज 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर और यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। 10th क्लास में चैप्टर भी बोल देते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी बेटा, बोर पूरे इक्वेशन, वैलेंसी के बारे में, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, थोड़ा सा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं, सिंबल क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। फिजिकल चेंज क्या होती है बेटा, एक ऐसी चेंज होती है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता। A change in which no new substance is formed. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आपको समझाएं बेटा, जब हम इस पीस ऑफ पेपर को टीयरिंग करेंगे बेटे, तो इससे कोई नई चीज नहीं बनेगी बेटे। ये भी वही पेपर है, ये भी वही पेपर है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ऐसे ही इसे मार्कर को, शर्ट को तो मैं नहीं फाड़ूंगा बेटा, आप लोगों को अजीब लगेगा, देखो भी नहीं गए जनरल, ठीक है। ऐसे बेटा ये ब्रेकिंग वो पेन है, चौक है, ये मार्कर है, बोर्ड है, ये सभी क्या है बेटा, बुक है, नोटबुक है, डस्टर है, ये सभी क्या है, या स्पेक्स है, ये सभी फिजिकल चेंज है बेटा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। दूसरी बात बेटा, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा फिजिकल चेंज की, जनरली बेटा, ध्यान रखना बेटे, जनरली, हाँ कभी कभी तो होता है लेकिन जनरली नो हीट चेंज अकर्स, न तो हीट रिलीज होती बेटा और न हीट जनरली बेटा अब्सॉर्ब होती। तो ये है बेटा फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल आपको बता दिए बेटा, कटिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर, वुड, कटिंग ऑफ वुड, टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कटिंग ऑफ पेन, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ बटर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ई ऑपरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड है वो भी H2O है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो वेपर बनेगा उसमें भी H2O होता है। तो लिक्विड से वेपर बनना, वेपर से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से लिक्विड बनना, गैस से सॉलिड बनना, सॉलिड से गैस बनना, ये सभी क्या है बेटा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है बेटा, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं बेटा। केमिकल चेंज का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म, इज ऑलवेज फॉर्म, हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, NaCl बनता है, तो NaCl अलग कंपाउंड है, सोडियम क्लोरीन अलग एलिमेंट है बेटा। प्रॉपर्टी क्या होगी कंपाउंड की, जो भी सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसकी रिएक्टेंसी टोटली डिफरेंट होगी और फिजिकल चेंज में सिमिलर होती है। इरिवर्सिबल बेटा केमिकल चेंज, जनरली इरिवर्सिबल, जनरली नहीं, ऑलवेज हीट चेंज अकर्स, हमेशा बेटा ऑलवेज हीट चेंज अकर्स। जब भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, या तो हीट रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी,
रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, अब्जोर होगी तो एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल की बात करें, देखें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जितने भी कंपाउंड बनते हैं दुनिया में, जितने मॉलिक्यूल बनते हैं, सभी क्या हैं, केमिकल चेंज हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, कटिंग ऑफ प्लांट, ग्रो ऑफ प्लांट, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर, ऑल दीज आर केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज, कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन को ही बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटा, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस विद चेंज ऑफ हीट इज नोन एज ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप सिंबल क्या होता है बेटा, इट इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट नेम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के कंप्लीट नेम को ब्रीफ में लिखना, शॉर्ट में लिखना। जैसे सोडियम है, एलिमेंट है, इसको अन्य लिख दें। पोटेशियम है, उसको के लिख दें। कार्बन है, उसको सी लिख दें। आयरन को अफी लिख दें। कॉपर को सी यू लिख दें। सिल्वर को ए जी लिख दें। गोल्ड को ए यू लिख दें। मैग्नीज को एमएन लिख दें। मैग्नीशियम को एम जी लिख दें। एल्युमिनियम को ए एल लिखें। ये सभी क्या है बेटा, सिंबल। तो सिंबल का वही रोल है केमिस्ट्री में जो रोल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स अक्षरों का होता है, वर्ड का होता है, ए बी सी डी कैसे गेड़े करते हैं, वही रोल केमिस्ट्री में सिंबल है। वहां हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, शब्द। तो यहाँ ग्रुप ऑफ सिंबल क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला बेटा। तो केमिकल फार्मूला क्या है, इट इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट नेम ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के कंप्लीट नेम को ब्रीफ में लिखना विद द हेल्प ऑफ सिंबल। जैसे सोडियम क्लोराइड है बेटा, कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम का सिंबल है क्लोराइड का सीएल। हाइड्रोजन ऑक्साइड है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये कैसे फार्मूला लिखते हैं बताया था बेटा, हाइड्रोजन H2O बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी बन होती है ऑक्साइड की, टू होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो H2O। अमोनिया लिखना है तो NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है तो HBr, हाइड्रोजन नाइट्रेट लिखना है तो HNO3, हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है तो H2SO4 एंड सो ऑन बेटा। ये केमिकल फार्मूला है, आगे बताएंगे एक मोलिकुलर फार्मूला और एक एम्पिरिकल फार्मूला, इसी यूनिट में बेटे लास्ट में, दो टाइप का होता है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल रिएक्शन की, तो पहले हो चुकी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको समझाने के लिए, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, गैस है बेटा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बेटा वो है बेटा MgO। तो ये तो होगी बेटे अपनी क्या, दिस इज केमिकल रिएक्शन बेटा, और ये होगी बेटे अपनी केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस नहीं है बेटा, अगर कभी वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ब्रेंड करते हैं बेटा, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो,
अगर ऐसे लिख दिया आपको वन में से आप मार्क्स मिलेगा क्योंकि बैलेंस नहीं है बेटा, दोनों तक साइड आइटम सेम होने चाहिए बेटा। तो यहाँ टू लिख दो बेटा, यहाँ भी टू लिख दो। मैग्नीशियम दो है, यहाँ भी दो है बेटे, ऑक्सीजन टू, यहाँ भी टू बेटा, केमिकल इक्वेशन। तो क्या फर्क है बेटा, ये तो वर्ड्स की हेल्प से लिख रहे हैं, ये सिंबल की हेल्प से बेटा। तो केमिकल रिएक्शन तो क्या है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म या कंबाइन टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस विद चेंज ऑफ हीट। और केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज ए सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा, विद द हेल्प ऑफ सिंबल को, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला का होता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो Mg होता है। तो दिस इज केमिकल इक्वेशन। तो आशा है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री को लेकर बेटे, तो आप जरूर कमेंट करें बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें।